हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपीएस क्लासेस। मैं नवनीत सर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों फिजिक्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग जेई मेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें बेसिकली हम आज सीखेंगे कि किसी पार्टिकल की इक्वेशन कैसे लिखेंगे। अब इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों कि कोई कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, वेलोसिटी दिया रहेगा, उससे हमें इक्वेशन लिखना होगा, स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस। ठीक है, तो इस वीडियो को बच्चों अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो जो पहला क्वेश्चन है ये कहता है कि इसमें देखो आप फर्स्ट क्वेश्चन में कि किसी पार्टिकल का, जो पार्टिकल है उसका x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, टी एस क्या है, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। यस क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। ठीक है, और ए एंड बी कॉन्स्टेंट है और टी यहाँ पे टाइम है, हम सबको पता है। ठीक है ना, टी क्या है, टाइम है। तो इसका इक्वेशन आप पाथ निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब किस टाइप के पाथ पे ये पार्टिकल चल रहा है उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इस ये जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आई कैप, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, प्लस बी कॉस ओमेगा टी और जे कैप। तो मैं इक्वेशन ऑफ पाथ कैसे निकालूंगा, बेसिकली आई विल रिलेट एक्स एंड वाई। क्या रिलेट करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट रिलेट करेंगे, वो उसका इक्वेशन ऑफ पाथ होगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे यहाँ से बच्चों जो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया हो ना, तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी ए साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और जो इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, x अपॉन a दैट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, इस इक्वेशन को अगेन मैं लिख सकता हूँ कि जो ये है, क्योंकि i कैप है, देख रहे हैं आप, i मतलब x में। ठीक है ना, ये जो वेक्टर है वो x, समझ रहे ना, ये जो वेक्टर है वो x i कैप और प्लस y j कैप के फॉर्म में है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू इस फॉर्म में है, तो x की वैल्यू इतनी आ गई, जो y कोऑर्डिनेट है पोजीशन, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी b cos ओमेगा t, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी b अपॉन b cos ओमेगा t, ये इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, तो ये वाला जो इक्वेशन नंबर टू आया, अब ये जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दो आप, स्क्वायरिंग यानी एडिंग दिस टू इक्वेशन। तो चलो इनको स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए, अगर मैं इनको स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो मुझे इक्वेशन ऑफ पाथ पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है ना, स्क्वायरिंग एंड एड, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, तो इधर मिलेगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इधर मिलेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और प्लस इधर मिलेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या होगा, वन होगा। तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो ये जो फाइनल इक्वेशन है यही पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ पाथ है। और कैसा पाथ होगा, पाथ कैसा होगा, पाथ विल बी इलिप्स। ठीक है, पार्टिकल के पाथ कैसी होगी, इलिप्स। ठीक है, इलिप्टिकल पाथ में पार्टिकल चलेगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में आपको आ जाना चाहिए, बहुत अच्छे तरह से आ जाना चाहिए कि आप कैसे किसी पार्टिकल का इक्वेशन कैलकुलेट करोगे। इक्वेशन मेरा मतलब ये है कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को कैसे रिलेट करोगे, इसमें पोजीशन वेक्टर दिया था और वो हम कर लिए। ठीक है, चलिए दूसरा करते हैं।
इसमें कहता है कि एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव करता है, उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है टी टाइम पे, तो इक्वेशन आप पाथ निकालिए। तो इक्वेशन आप पाथ निकालिए, इस वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, ठीक है, देखो ट्राई करो होता है, ठीक है, कोशिश करो कि ये होता है आप लोगों से। इक्वेशन ऑफ पाथ, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है बोलो, एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8 साइन पाई टी, एक्स कोऑर्डिनेट इज गिवन 8 साइन पाई टी, वाई कोऑर्डिनेट इज गिवन -2 कॉस 2 पाई टी, ठीक है ना, ये तो ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। अब मुझे एक्स एंड वाई को रिलेट करूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि इनके बीच इसका पाथ कैसा है। तो चलो आप रिलेट करो, सॉल्व करो, देखो ट्राई करो होता है। चलो मैं इसको करता हूं, एक काम करते हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट अगर रिलेट करना है प्यारे बच्चों, तो मैं वाई को लेके चलता हूं। तो वाई को अगर मैं लेके चलूं तो ये देखो वाई कॉस 2 थीटा का यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला लगा हुआ है, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो y वाला कोऑर्डिनेट है, इसको मैं लिख सकता हूँ y वाले को माइनस 2 और कॉस, इस फार्मूले पे इसमें ब्रेक करें, कॉस 2 स्क्वायर, ठीक है, कॉस 2 स्क्वायर पाई टी कॉस 2 थीटा पाई टी माइनस साइन स्क्वायर पाई टी, ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। इस वाले को मैंने क्या किया, इस वाले को कॉस 2 थीटा का फार्मूले पे ब्रेक कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्स एंड वाई में रिलेट करना है। तो अगर मैं इसमें साइन ला दूं, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं भाई, अगर मैं इस कॉस को 2 थीटा पे ब्रेक कर देता हूं तो बाद में चल के साइन इसमें आ जाएगा, ठीक है, और साइन मैं पुट कर दूंगा यहां से। तो अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूं यहां से तो मुझे मिलेगा प्यारे बच्चों यहां से माइनस 2 और कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई टी और माइनस साइन स्क्वायर पाई टी ऐसा लिख सकता हूं। तो अल्टीमेटली मैं इसको लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 2 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई टी, तो 2 साइन स्क्वायर पाई टी। अब देखो यहां से साइन स्क्वायर पाई टी आ गया, और इधर दिया हुआ था बच्चों, क्या दिया हुआ था, देखो इधर दिया हुआ था कि x इज इक्वल टू क्या था, 8 साइन पाई टी था। तो साइन पाई टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन पाई टी की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन 8, ठीक है, क्लियर है, तो साइन पाई टी। तो यहां से मैंने लेके आया तो माइनस 2 बड़ा वाला ब्रेकेट लगाया 1 माइनस 2, ठीक है ना, और साइन पाई टी मतलब एक्स स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ठीक है, 64 जी। तो ये हमने इसमें रख दिए, ठीक है, अगर इसमें हम रख दिए तो इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो और अगर इसको आगे मैं सॉल्व करूं, इसको सॉल्व करो एक्स वाई के लिए, तो ये जो है वो वाई की वैल्यू है, तो वाई की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस टू माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और यह आ जाएगा 4x स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 64, ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर 64, दिस इज बेसिकली, तो वी कैन सिंप्लीफाई x इज इक्वल टू माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और 16, तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल। ये जो इक्वेशन है कैसा है, पैराबोलिक है, पैराबोलिक, पैराबोलिक पाथ, ठीक है ना, पैराबोला का इक्वेशन है, तो पाथ क्या होगा, पैराबोलिक पाथ होगा, जो पार्टिकल होगा प्यारे बच्चों वो पैराबोलिक पाथ पे चल रहा होगा, क्लियर है। तो अगर पैराबोलिक पाथ पे चल रहा, तो इसको आप ड्रा कर सकते हैं, इस पैराबोला को आप ड्रा कर सकते हो, देखो, ठीक है, अगर y की वैल्यू 0 है, इफ, चलो पैराबोला को ड्रा करते हैं,
इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो जो वाई की वैल्यू है वो माइनस टू है, इसमें आ जाओ आप, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई की वैल्यू माइनस टू, एंड इफ वाई इज इक्वल टू जीरो है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू जीरो है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4 रूट 2, ठीक है ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 रूट 2। तो ये बेसिकली प्यारे बच्चों x एंड y हमारा कोऑर्डिनेट रिलेट हो गया, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी एक्चुअली प्लस माइनस में आएगी, दो फॉर्मेट है स्क्वायर चढ़ा हुआ, तो ये वाली चीज हमें आ गई, एक यहाँ से आ गया। तो अब इस पैराबोला को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, तो इस पैराबोला का अगर मैं ड्रा करूँ तो मैं इधर आपके लिए ड्रा कर देता हूँ इस पैराबोला को, तो हमें मिलेगा ये है मेरा, ये मेरा एक्स है, ठीक है, एक मिनट प्यारे बच्चों, ये मेरा x है, ये y है, ठीक है, तो जब x एंड y है तो बेसिकली जब x की वैल्यू देखो जीरो है, x की वैल्यू ये x है और ये y है, तो जब x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू माइनस टू है, तो माइनस टू कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू माइनस टू है, फिर जब y की वैल्यू जीरो है तो x की दो वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू जीरो है, देखो y की वैल्यू जीरो है तो x की वैल्यू जीरो कॉमा जीरो कॉमा x की वैल्यू ये x की वैल्यू प्लस फोर रूट टू और y जीरो, एक पॉइंट यहाँ आएगा और एक पॉइंट यहाँ आएगा माइनस फोर रूट टू और ये जीरो, ठीक है, x की दो वैल्यू है ना, तो ये जो पैराबोला आएगा वो कुछ इस टाइप का पैराबोला आएगा, यहाँ से ऐसे इस टाइप के पाथ पे पार्टिकल चल रहा होगा, मोशन कर रहा होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं पाथ ऑफ द पार्टिकल। चलिए, द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल, ये भी बहुत आसान है, वेयर एन बी आर कॉन्स्टेंट, एंगल बिटवीन द इफ द रेट ऑफ इंक्रीजिंग थीटा इज ओमेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल, ये आसान है, इसको जल्दी से कर लो आप, ठीक है, तो ये इजी है। तो पोजिशन वेक्टर आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप, ठीक है, तो ये क्या है पोजिशन वेक्टर, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी ए कॉस थीटा, ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स अपॉन ए, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी बी साइन थीटा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है एक्स आई कैप और वाई जे कैप के फॉर्मेट में है, ठीक है ना, पोजिशन वेक्टर, ये जो पोजिशन वेक्टर दिया हुआ था प्यारे बच्चों ये वाला, वो इसको एक्स और आई जे के फॉर्म में, यहाँ से एक्स, तो यहाँ से अभी तो किए थे ऐसा यार, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपन बी, इक्वेशन नंबर टू, तो इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दो, ठीक है ना, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये फाइनली जो इक्वेशन आ जाए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, ये कैसा है इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्टिकल पाथ, ठीक है ना, पार्टिकल जो है वो इलिप्स पे चल रहा है, ठीक है, पार्टिकल का जो पाथ है प्यारे बच्चों वो एक इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, ये आसान था, पहले वाला जो क्वेश्चन था वैसे ही था, ठीक है, ये आप ट्राई करो, एक पार्टिकल मूव एक्स वाई प्लेन में चलता है, ठीक है, कोशिश करो, देखो होता है, कोशिश करने से होता है, ठीक है,
और नहीं होता है तो हम लोग फिर से इसको करेंगे। एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में चलता है जिसकी एक्स वाली वेलोसिटी इतनी है और वाई वाली वेलोसिटी इतनी है, तो जब वो एक्स इज इक्वल टू 14 और जब एक्स की वैल्यू 14 होगा कोऑर्डिनेट और वाई होगा टाइम 2 सेकंड होगा, तो उसका इक्वेशन ऑफ पाथ कैसा होगा। अब देखो मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनो, इससे पहले जो भी क्वेश्चन दिया था उसमें पोजिशन वैक्टर दिया था, एक्स एंड वाई दिया था, तो हम क्या करते थे उनको रिलेट कर लेते थे इक्वेशन से। इसमें पोजीशन नहीं दिया, इसमें वेलोसिटी दिया है, तो जब वेलोसिटी दिया है तो मुझे एक्स एंड वाई को अगर रिलेट करना है तो मैं वेलोसिटी से एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा। आई विल कैलकुलेट द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट विद द हेल्प ऑफ द वेलोसिटी बाय द इंटीग्रेशन वी ऑलरेडी नो इन काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हम वेलोसिटी से पोजीशन कैसे निकालेंगे वो हमें पता है, इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसको सॉल्व करूं, प्यारे बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो जब मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो जो x है वी एक्स, एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू देखो 8t माइनस 2 है, और जो y एक्सिस में जो वेलोसिटी है, जो y एक्सिस में जो वेलोसिटी है कॉमा जो y एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, y एक्सिस में वेलोसिटी है वो 2 है। ठीक है, और कब निकालना है, जब टाइम जब x की वैल्यू 14 हो, ठीक है, y की वैल्यू 4 हो और टाइम बीत चुका हो 2 सेकंड। ठीक है, तो ये जब डेटा हो चुका होगा उस वक्त पार्टिकल की हमें निकालनी है x एंड y कोऑर्डिनेट। अब देखो, अब वेलोसिटी से x एंड y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे भाई, इंटीग्रेट करते हैं ना, वेलोसिटी से एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर मैं इसको लिख सकता हूँ डी एक्स ओवर डी टी, किसी को दिक्कत नहीं होगा, इज इक्वल टू 8t और माइनस 2, लिख सकता हूँ ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि डी एक्स इज इक्वल टू 8t माइनस 2 डी टी। ये तो मैं अगर ऐसा लिख सकता हूँ, आ रहा समझ में, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी, x की क्या कोऑर्डिनेट होगी यहाँ से मुझे कैलकुलेट हो जाएगा। तो x की इसको लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो लिमिट लगा के, जब टाइम कितना था, जब टाइम 0 था, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, जब टाइम की वैल्यू टी हो गया, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट मान लो एक्स हो गया, तो इधर आ जाएगा एक्स टी इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, जब टाइम की वैल्यू एक्चुअली बच्चों लिमिट इसमें दिया नहीं है, एक मिनट, द लिमिट इज नॉट गिवन इन दिस, एक मिनट, क्वेश्चन को फिर से देखते हैं कि क्या इनिशियल लिमिट दिया हुआ है। ए पार्टिकल मूव इन एक्स वाई प्लेन विद दिस इक्वेशन, इट पासेस थ्रू द पॉइंट एट टी इज इक्वल टू 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ। ये इनिशियल लिमिट है, पार्टिकल कहाँ से चला है ये है, ठीक है ना। अब इसका टी टाइम पे इसका पोजीशन तो हमें पता ही नहीं ना, तो पोजीशन है जो फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, समझना इसको, लिमिट को समझना, पोजीशन है जो फंक्शन, जब टाइम 2 सेकेंड था, ठीक है ना, जब टाइम 2 सेकेंड था तो बेसिकली जो x की कोऑर्डिनेट थी वो 14 थी, हमें पता ही नहीं है कि पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर कहाँ था, वी डोंट नो अबाउट इट, ठीक है, बट हमें पता है कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे 14 पे था, तो ये जो पोजीशन आएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट कर लो, x माइनस 14 इधर मिल जाएगा और इधर मिल जाएगा, पहले इसको इंटीग्रेट करो, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो 8t² / 2 और माइनस 2t, ठीक है, और अल्टीमेटली ये लिमिट गया, लिमिट जाएगा 2 to t, ठीक है, 2 to t ये लिमिट आ जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, तो x कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, तो ये अल्टीमेटली इसको रख दो तो 4t² - 2t, टी की वैल्यू डाल दिए, ठीक है, माइनस माइनस इसको एक बार ये टी की वैल्यू डाल दो, तो
8 4 और ये 4, ये 4 का स्क्वायर 4 16 और माइनस 4, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे मिल जाएगा, पहले एक बार मैंने लोअर लिमिट रख दिया, 4t स्क्वायर माइनस 2t और माइनस 16 और ये माइनस 12 है, ठीक है। तो अल्टीमेटली x माइनस 14, तो x की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 4t स्क्वायर माइनस 2t, ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस प्लस 2, ठीक है। तो अल्टीमेटली दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, x की अल्टीमेटली जो है जो वैल्यू आ जाएगी 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2, ये इसकी x की वैल्यू आ जाएगी। ये एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है प्यारे बच्चों। अब एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है तो मुझे x एंड y को रिलेट करना है, आ रहा समझ में आपको, x एंड y को रिलेट करना है। तो जब जब तक मैं इसमें y कहीं से नहीं ला के रखूंगा तब तक मुझे x और y रिलेट नहीं होगा। तो जो मैं y ला के रखूंगा वो मैं दूसरा जो इक्वेशन था, ये वाला जो इक्वेशन था, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से टाइम ले जाके यहाँ पे रख देंगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे मिलने वाला है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ dy by dt that is equal to 2, ठीक है। तो dy upon dt is equal to 2 dt, ऐसा लिख सकता हूँ। अब मैं इसको अगर इंटीग्रेट करता हूँ तो फिर वही कहानी, जब टाइम 2 था, ठीक है, जब टाइम 2 था, इसको इंटीग्रेट करते हैं, जब टाइम 2 था तो y कोऑर्डिनेट 4 था ऐसा दिया हुआ था, जब टाइम t हुआ तो y कोऑर्डिनेट मान लो y हो, तो ये आ जाएगा y माइनस 4 दैट इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करो तो 2t, ठीक है, 2t, और यहाँ से 2t लिमिट डाल दो 2 और t, तो लिमिट और 2 और t डाल दोगे इसमें से, रखो इसमें लिमिट डाल दिए 2 और t, तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा y माइनस 4 और ये 2 बार लग लो t माइनस 2, ठीक है। तो t माइनस 2 इज इक्वल टू 2t माइनस 4, तो माइनस 4 खत्म हो गया, तो y इज इक्वल टू 2t, ठीक है। तो ये इसका इक्वेशन आ गया कि y इज इक्वल टू 2t, तो यहाँ से जो टाइम आ जाएगा y बाई 2 आ जाएगा। अब ये जो टाइम का इक्वेशन हमें मिला, अगर मैं इस टाइम का इक्वेशन इस पहले वाले इक्वेशन में रख देता हूँ बच्चों, इस टाइम के इक्वेशन को ले जाके मैं इसमें रख दूँ तो x एंड y क्या आ जाएंगे, रिलेट हो जाएंगे। तो चलो रिलेट कर लेते हैं x एंड y। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड वी गेट x इज इक्वल टू 4 टाइम का स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 टाइम y by 2 प्लस 2, तो अल्टीमेटली 2 2 2 4 4, तो x इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 2। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है यही उस पार्टिकल का इक्वेशन है, this is equation of particle, ये particle का equation है। तो I hope कि आपको ये समझ में आया होगा। एक मिनट बच्चों, ये जो ये यहाँ पे तो little bit मेरे से गलती हुई है, this power must be 2 2 स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द पार्टिकल। इसको एक बार अच्छे से देख लेना है आप, इसको ट्राई करो, कोशिश करो, देखो पॉज करो, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो प्यारे बच्चों, ठीक है। जेई मेंस के लेवल तक का करा रहा हूँ, चलो वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो। ये बेसिकली कुछ नहीं है, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, पैराबोलिक पाथ, ऐसा मतलब इन्होंने बोल दिया है कि जो पार्टिकल है वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन गिवेन इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन का दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन का कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप, दिस इज द इनिशियल मोशन। वी नो दैट प्रोजेक्टाइल मोशन
ठीक है, जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है ये यहाँ से ऐसे गया पैराबोलिक पाथ पे, ठीक है, तो ये u आ गया। अगर ये u आ गया तो इसकी जो वेलोसिटी है, समझना, इसकी जो वेलोसिटी x एक्सिस में दिया हुआ है, x एक्सिस में दिया हुआ है 1 है, और y एक्सिस में जो वेलोसिटी है, जो y एक्सिस में वेलोसिटी है वो 2 है, तो ये एंगल क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया है ओ ए बी, ठीक है, इस ट्रायंगल में आ जाओ, समझ रहे हो, यहाँ से जो वेलोसिटी वाला इसका ट्रायंगल है, ये जो वेलोसिटी वाला जो ट्रायंगल है, जो प्रोजेक्शन हुआ, ये रहा थीटा, ये रहा 2, ये रहा 1, ये रहा रूट 5, ये इनिशियल वेलोसिटी यू से प्रोजेक्ट हुआ था, यहाँ से यू से प्रोजेक्ट हुआ था, तो मुझे ये वेलोसिटी मिल गया। अब कैलकुलेट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पाथ, इस जो पाथ है, इस पाथ पैराबोलिक पाथ, हमें पता है कि पाथ कैसा होगा, बोलो, हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन अगर थीटा डिग्री से प्रोजेक्ट हुआ है तो पाथ पैराबोलिक होगा, और उस पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन हमें पहले से पता है, जो लोग इसको, ठीक है, जो लोग नहीं देखे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, वो जाके मेरे सारे वीडियो देख लेना, प्रोजेक्टाइल पूरा का पूरा, बच्चों पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल का जो इक्वेशन होता है, प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन y इज इक्वल टू x tan थीटा, y इज इक्वल टू x tan थीटा, और 1 माइनस x ओवर r होता है, 1 ओवर, अगर ये इक्वेशन जो नहीं, जिसको नहीं आता वो प्रोजेक्टाइल का मेरा वीडियो देख लेगा, सब आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे x एंड y में रिलेशन चाहिए तो मुझे tan थीटा पता करना पड़ेगा और रेंज पता करना पड़ेगा, तो चलो इन दोनों को पता करते हैं कि रेंज कहाँ से पता चलेगा और tan थीटा कहाँ से पता चलेगा। तो tan थीटा तो इसी ट्रायंगल से आ जाएगा, इस ट्रायंगल से देखो, tan थीटा तो इसी ट्रायंगल से आ गया, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/1, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√5, ठीक है, sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/√5, तो यहाँ से मुझे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा मिल गया। तो अब मैं रेंज अगर लिखूंगा तो रेंज, प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई जी और मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये प्रोजेक्टाइल का रेंज होता है, ठीक है। तो अगर प्रोजेक्टाइल का रेंज होता है तो इस प्रोजेक्टाइल के रेंज में वैल्यू रख दो, तो रेंज की वैल्यू आ जाएगी 2 u square, कितने से प्रोजेक्ट हुआ था, बोलो, कितने से प्रोजेक्ट हुआ था, 2 और रूट 5, तो ये रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, रूट 5 का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, और साइन थीटा z की वैल्यू 10 रख दो, ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू रख दो, साइन थीटा की वैल्यू ऐसे ही निकाले हैं 2√5, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू रख दो, कॉस थीटा की वैल्यू 1/√5, तो ये जो 5 है, 5 ये वाली जो 5 है, 5 ने 5 को ये ख़त्म कर दिए, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा, ठीक है, तो रेंज की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 2/5, ठीक है, तो ये जो 2/5 है मीटर, दैट इज़ द रेंज, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो रेंज हमें पता चल गया, तो मुझे tan थीटा पता है, रेंज पता है, तो पार्टिकल का इक्वेशन कितना हो जाएगा, लिख डालो इक्वेशन, तो ये जो tan थीटा है, tan थीटा यहाँ से इसमें रख दो, और ये जो रेंज है वो इसमें रख दो, तो इक्वेशन ऑफ पाथ यहाँ लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक है, tan थीटा और रेंज हमें पता है, तो इक्वेशन ऑफ पाथ, तो इक्वेशन आ जाएगा, पार्टिकल का जो इक्वेशन आ जाएगा वो y इज इक्वल टू x tan थीटा, y इज इक्वल टू x tan थीटा, 1 - x/r है, 1 - x/r है, तो 1 - x/r है, तो एक काम करो बेटा, यहाँ पे रख दो, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो y x tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू 2/1, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/1, और 1 - x/r की वैल्यू 2 और ये 5, ठीक है, तो r की वैल्यू 2/5, तो अल्टीमेटली ये 2x, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2x और माइनस 2x माइनस 5x स्क्वायर, दिस इज द फाइनल इक्वेशन, जो कि एक पैराबोलिक पाथ है,
ठीक है, एक बार की चेक कर लेते हैं बच्चों। लग जागले कैसा पाता आएगा पैराबोलिक, हुआ क्लियर? ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट, अब देखो इसको क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो बहुत सारा कर चुके ना, पाथ कैलकुलेशन आई होप कि आपको आ गया होगा, तो इसको ट्राई करो, देखो होता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखो, एक कैट वांट टू कैच ए रैट, ठीक है, एक कैट है, एक कैट है, वो किसी रैट को पकड़ना चाहती है। एक मिनट, थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस हो गया स्क्रीन। एक कैट वांट टू कैच द रैट, ठीक है, ए कैट वॉन्ट टू कैच द रैट, एक बिल्ली जो है वो चूहे खाना चाहती है। अब वो खा पाएगी या नहीं खा पाएगी, वो तो इक्वेशन से पता चलेगा ना भाई, मैथमेटिकल इक्वेशन से पता चलेगा कि एक बिल्ली, द कैट फॉलो द पाथ, जो कैट है उसका जो पाथ है x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो है। जो कैट का पाथ है, अगर मैं कैट का पाथ डिस्कस करूँगा तो मुझे बच्चों कैट का जो पाथ आएगा, ठीक है, तो जो कैट का पाथ है, कैट, ठीक है, कैट का जो पाथ है वो कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, कैट इस वाले पाथ पे चल रही है। और जो रैट है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो जो रैट है, जो रैट का पाथ है वो कुछ अलग है यार, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, ठीक है। तो जो बिल्ली है वो सीधी पाथ पे चल रही है, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, और जो चूहा है वो सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में चल रहा है ना, काफ़ी स्मार्ट बन रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉसिबल पॉइंट, अब वो मैथमेटिकल इक्वेशन बताएगा कि क्या बिल्ली जो है, जो कैट है, वो चूहे को पकड़ लेगी या नहीं पकड़ लेगी, वो बच्चों मैथमेटिकल इक्वेशन बताएगा। तो चलो पहले इनका इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनका इक्वेशन बनाऊँ तो सबसे पहले समझो, ये एक्स है, ये वाई है, और ये एक सर्कल है, और अल्टीमेटली ये जो वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस, ये वो लाइन है जिस पे रेट चल रहा है, ठीक है। द रेट इज मूविंग ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, रेट इज बेसिकली इस वाले स्ट्रेट लाइन पे रेट चल रहा है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये सॉरी, ये इस पे कैट चल रही है और ए इस पे रेड चल रहा है, ठीक है। तो चलो, तो पहला फर्स्ट मेथड, इसको दो तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट मेथड ये है कोऑर्डिनेट वाला, ठीक है ना, ज्योमेट्री से भी कर सकते हो लेट, ठीक है, कि एक्स कॉमा और वाई कॉमा वाई है, कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट वेयर, कोऑर्डिनेट वेयर, वेयर कैट कैच द रैट, कैच द रैट, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया, ठीक है, मैं मान लिया कि जो कैट है और रैट किसी कोऑर्डिनेट पे जाके मिल जाएंगे। अगर वो कोऑर्डिनेट पे मिल जाएंगे तो उन दोनों के लिए जो कोऑर्डिनेट है वो कॉमन हो जाएगा। तो अगर उन दोनों के लिए कोऑर्डिनेट कॉमन हो जाएगा तो ये वो स्पेशल कोऑर्डिनेट है जिसपे वो बिल्ली जो है वो चूहे को पकड़ ली है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दिस कोऑर्डिनेट मस्ट सेटिस्फाई दिस कोऑर्डिनेट जो है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, दिस कोऑर्डिनेट मस्ट सेटिस्फाइड
बोथ इक्वेशन, ठीक है ना, बोथ इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है ना, होगा क्लियर। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो है, तो नया इक्वेशन x1 प्लस वाई वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब x1 इज इक्वल टू माइनस वाई वन, ये इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। तो x1 प्लस वाई वन इज इक्वल टू जीरो, अब जो यही इक्वेशन मैं किसके लिए लिखूं, यही इक्वेशन में कैट के लिए लिखता हूँ, ठीक है। तो कैट का क्या इक्वेशन था, कैट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फोर था बच्चों। इसका मतलब ये हुआ एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर आ गया, तो एक्स वन और वाई वन फोर आ गया, तो यहाँ से एक्स वन की वैल्यू डाल दो इसमें, तो ये आ जाएगा वाई वन स्क्वायर, ठीक है, और प्लस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, मतलब टू वाई वन स्क्वायर, मतलब यहाँ से फोर आ गया ना, तो वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू आ गया, तो जो वाई वन की वैल्यू आ जाएगी वो प्लस माइनस रूट टू। तो अगर वाई वन इतना है तो एक्स वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको यहाँ पे रख दो, तो एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी माइनस प्लस रूट टू, क्योंकि वाई वन एक्स वन के उल्टे बराबर है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है दैट इज टू पॉसिबिलिटी, ये वो कोऑर्डिनेट है जहाँ कैच कर लेगी रेड को, ठीक है ना, दिस इज द कोऑर्डिनेट वेयर जो रेड है वो बिल्ली के पेट में चला जाएगा, ठीक है, तो ये वो स्पेशल कोऑर्डिनेट है। चलो प्यारे बच्चों, तो इस वाले न्यूमेरिकल को आप ज्योमेट्री से भी कर सकते हो, तो इसमें ज्योमेट्री से भी कर सकते हो, सेकेंड मेथड इसको लगा सकते हो आप, कि सेकेंड मेथड आप इस ज्योमेट्री से भी इसको कर सकते हो। चलो मैं करके आपको दिखाता हूं एक बार, देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, x इज इक्वल टू माइनस वाई स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप की वैल्यू जो है स्लोप tan थीटा माइनस वन आ गया, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है, ये क्लियर है सबको। तो ये जो एंगल है दैट इज 45 डिग्री आ गया, ठीक है, और ये जो पॉइंट है जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं पॉइंट P, तो ये जो x ये अगर 45 है तो यही तो x है माइनस x और y, तो ये निकाल लो। तो x एंड y सर्कल है, सर्कल का रेडियस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू का स्क्वायर, ठीक है, तो r इज इक्वल टू टू, तो सर्कल का रेडियस कितना आ गया टू। आई होप कि सबको सर्कल का इक्वेशन पता होगा, तो सर्कल का इक्वेशन पता है तो ये रेडियस टू आ गया, तो ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी टू कॉस फोर्टी फाइव माइनस टू, तो माइनस 2 cos 45, तो 2 by root 2, ठीक है, 2 by root 2, रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसको रेशनलाइज कर दो, ठीक है, तो रेशनलाइज कर दोगे तो ये आ जाएगा माइनस रूट टू, ठीक है, तो ये माइनस रूट टू आ जाएगा, तो ये वाला जो एक्स आ जाएगा वो माइनस रूट टू है, तो जो वाई वाला ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा प्लस रूट टू, ठीक है, तो ये स्पेशल पॉइंट है पी वन जिसका कोऑर्डिनेट बनेगा माइनस रूट टू और प्लस रूट टू, ठीक है ना, इस पॉइंट पे कैच कर लेगी। सिमिलरली ये क्या पॉइंट है क्यू जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पाथ, तो इस पे एक्स की वैल्यू निकाल लो और वाई की वैल्यू निकाल लो, तो ये 45 है तो ये 45 आ गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस रूट टू और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट टू, ठीक है ना। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कैट और रेट वाला प्रॉब्लम। चलो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें क्या कर रहा है कि वेलोसिटी है, कैलकुलेट करो, देखो ट्राई करो,
कोशिश करो, देखो होता है, सॉल्व होता है। कहता है पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन मूव इन एक्स आई प्लेन विद वेलोसिटी वेयर आई जे यूनिट वेक्टर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ। अब इसमें बच्चों डायरेक्ट वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा मैंने क्वेश्चन किया, ऐसा हम लोग क्वेश्चन क्या किए थे अभी करके आए थे, हो रहा क्लियर? अरे प्यारे बच्चों हो रहा क्लियर? ये अभी करके आए थे, कर लोगे इसको। तो वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, 3i कैप और प्लस 6xj कैप, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ पाथ निकालो। तो यहां से ये जो वेलोसिटी है उसको मैं लिख सकता हूं vxi कैप प्लस vyj कैप। जल्दी जल्दी इसको मैं कर देता हूं क्योंकि ये आप लोगों को आता है। तो इससे इसका कंपेयर करो तो vx की जो वैल्यू आ जाएगी, vx एक मिनट भाई, जो vx की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 और जो vy की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6x। तो अब यहां से मैं रिलेट कर लेता हूं x एंड y। तो चलो x एंड y अगर मैं यहां से रिलेट कर लेता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं dx by dt that is equal to 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा dx is equal to 3dt, ठीक है। अब ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है तो जब टाइम 0 था, ठीक है, तो वेलोसिटी 0 थी। जब टाइम t हुआ तो इसका x कोऑर्डिनेट x हुआ, तो x is equal to minus 3 और ये dt है तो 3t, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूँ dy, वेलोसिटी y एक्सिस में है। तो एक मिनट प्यारे बच्चों, तो इसको मैं dy अपन dt लिख सकता हूँ। तो अगर इसको मैं dy ऑफ 6, तो ये इसको मैं dy इज इक्वल टू 6x dt। अब मैं इसको x को इंटीग्रेट नहीं कर सकता ना, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू लाके टाइम 6 टाइम x की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो ये आ जाएगा 8, ठीक है, 3t dt, क्योंकि ये फंक्शन x में है ना भाई, ये dt में इंटीग्रेट होगा ना, तो टाइम उठा के तो यहाँ रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं टाइम उठा के यहाँ से रखूँगा तो मुझे जो y की वैल्यू टाइम के टर्म में मिल जाएगी वो आ जाएगी, इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, जब टाइम 0 था, ठीक है, तो t था तो पोजीशन 0 था, ये y हो गया, तो y इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करो, ये आ जाएगा 18t² / 2, ये आ जाएगा 9t² दैट इज द y, ठीक है। तो y इतना है, तो ये बेसिकली, तो जो x और y यहाँ से टाइम की वैल्यू रख दो, x इतना है और y कितना है 9t² है, तो y इज इक्वल टू 9t² की वैल्यू यहाँ से रख दो, x² / 9, तो 9 ने 9 को ख़त्म कर दिया, तो y इज इक्वल टू x². दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द पार्टिकल, y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू 9x², दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोलिक पाथ। तो आई होप कि इस वाले लेक्चर में, चलो बच्चों इस वाले लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया कि कोई पाथ कैसे कैलकुलेट करते हैं जब उनका कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, जब वेलोसिटी दिया हुआ, हाउ विल कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ पाथ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस। तो बच्चों अगर कुछ सीखे होगे, ठीक है, जो मैं पढ़ाऊँ, जो मैं लेक्चर देता हूँ, वो जो मैं लेक्चर दूंगा वो मैं कंप्लीट दूंगा बच्चों, ठीक है, ठीक है। जो नहीं दिए वो बात अलग है, पर जो मैं डिलीवर करूंगा वो तुम्हें कहीं और देखने। अब तुम्हें काइनेमैटिक्स में पाथ के इक्वेशन से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यार। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को बच्चों अधिक से अधिक आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट मी, थैंक यू।